श्री गुरु महाराज जी काम्य वन में सूर्य कुंड के किनारे पर बैठे हुए हैं। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की भजन स्थली है। Thank you.
इसलिए
चार महीनों का अवस्था किया, लेकिन गंख भक्त पूर्ण सरस्वती लक्ष्मीबाई उपासना निष्ठा वैष्णव, लेकिन फिर आप घमंड भगवान के भवन तोड़ देते। हम लोग नारायण के पक्ष का नारायण का जन्म नहीं आया है, नारायण अवतार या राम का जन्म है, कृष्ण का जन्म है, नारायण का ही अवतार है। हम लोग अवतार ही का वर्ष है महाप्रदर्शन से विचार किया, महाप्रभु को समझाया, अभी हम बोला ही खत्म। श्री बंदे शिशु से बोलेंगे उसको उनका मान का मालूम हो गया, अवतार ही कृष्ण ही है और कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका अवतार है नारायण। कृष्ण जन्म लीला किया बस ने सुशिवा प्रदान करनी, रसाधिक कृष्ण ने आनंद जितना आनंद है जितनी नहीं है नारायण की सूर्य आ रहा है रस मिल सकते हैं, रामचंद्र जी बासुल रस मिल सकते हैं, दरगाह जिसमें वहां पर सभियों रस मिल सकते हैं, नंदनगर कृष्ण हर सुशिवा सभियों पर इसलिए नंदन सर्वोत्तम आरोग्य है। महाप्रदर्शन से उनका दिल बदल दिया, उन लक्ष्मी को फिर छोड़ के राधा कृष्ण उपासन हो गया। गोवर्धन तो राधा कृष्ण के उपासक थे, लेकिन ये लीला करने के लिए वहां पर प्रकट हुआ, महाप्रभु को अवस्था जाति ने उन वर्ष शिक्षा दिया। अवतार ही है कृष्ण, राधा कृष्ण सर्वोत्तम कृष्ण अवतार है, स्वयं भगवान कृष्ण। अभी उन्होंने जब कृष्ण का महाप्रभु की पद कृष्ण पर प्रेम प्राप्त किया तब कृष्ण प्रेम का जितना रस आस्वादन किया तो सरस्वती बहुत ग्रंथ लिखा, राधा सुशीला नदी के संग्राम मित्र वृंदावन महिमा मित्र हम लोग वहां पर दिशा संस्कृति बहुत ग्रंथ है महात्म के बारे में और राधा जी के बारे में, कृष्ण के बारे में, वृंदावन धाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनका अंदर में काष्ट भगवान का पार्षद है, यहाँ पर अवस्थान करती है भजन किया 5000 पहले की बात, उस बगल और यहाँ से कांत था, कांत स्थान में यहाँ पर रह के भजन किया है। अभी भी हम लोग देखते हैं काम सब तो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जब आरती कोई उनका कृपा प्राप्त होगा तो हम लोग भी पशु चाबूत कृष्ण कृपा प्राप्त किया, हम लोग शिक्षा दिया भक्तों चाबूत की प्रकार प्राप्त किया, एक प्रार्थना हम लोग कीर्तन करके उन्होंने कृपा प्राप्त है। वैष्णव की बने सर्व सिद्धि, वैष्णव सर्व सिद्धि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Oh,
पर्वत की शाखा है इंद्रसेन पर्वत पे यहाँ वेदावी ऋषि को आश्रम हो चमन ऋषि के पुत्री यहाँ हजार साल तक तो उन्होंने तपस्या करी। मंजुगोसा नाम की अप्सरा को जो इंद्र ने यहाँ पे भेजा भंग करने को उनकी तपस्या को, तपस्या भंग करने के बाद 57 वर्ष तक वो यहाँ पे पर्वत पे रही, उनकी तपस्या को भंग कर दिया। तब उन्होंने जो है कहा कि मैं अपने इंद्र के पास वापस चले जाऊं। उन्होंने कहा आज आई हो कल चले जाना, कहने के प्रभु ब्रह्मदेव आपको जो है 57 वर्ष मेरे साथ व्यवस्थित है गए, आपकी जो है आज और कल खत्म नहीं हुई। तो ऋषि क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दिया कि जा तू जड़शिला बन जा। तो तब ये जड़शिला बनी मेधावी मंजुगोसा नाम की, और वहाँ आगे जा करके जो है उनको तपस्या धाम कुंड यहाँ पे है वहाँ इनको स्नान किया। उन्होंने फिर जो है 85 का रूप धारण कर लिया, अप्सरा बनी। ये वही मेधावी ऋषि के जो है ऊपर आगे से जाके ये काम्यवन में रास्ते का एक मंदिर है जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठे हैं। Oh,
सफल भगवान तो कोई बाकी नहीं है। गोवर्धन सरकार तो उसने भी महत्व बना ही दिया। विश्वनाथ विश्व गोवर्धन सरकार सुबह गोपाल के दर्शन करने के लिए फिर ब्रजवासी के लिए मना नहीं है। ब्रजवासी का तो आदमी है, उनका भगवान का निजी ज्ञान है, तत्ती ब्रजवासी का बारे में तो सब कुछ कर सकते। हम लोग के लिए हम लोग सर से लिप्त भक्त जी लाकर वापस चला जाएंगे संसार में, दूसरा हमारा कुछ जो है विचार करके पूरा वर्ष जो हम लोग प्राप्त करें हम भाग उनको हम लोग प्रणाम करके जहां पर पौध में लगाए पौध ले देंगे स्पर्श करेंगे। ऐसा वहां पर नहीं कर देते हमारा परम गुरु जी बोला चिन्मय धाम है, वृंदावन धाम चिन्मय धाम है, परम पवित्र भगवान की अभिनय है, भगवान का नाम रूप गुण लीला परिजन धाम श्रेष्ठ है, यहाँ पेड़ ही भगवान का पार्षद है। पेड़ का नहीं काटना भगवती काट सकते हैं तुम लोग, पेड़ का मत काट लो, काटन मत करो काट के हमारा परम गुरु जी सर्व भगवान के पास निर्गुण धाम है, अपराधिक धाम है। हम लोग देखते हैं मासिक ये भी पायल पेड़ है, ये भी मकान है, उनका दर्शन तो अलग है। यहाँ पर सब कुछ जो है कुछ जो भाव से देखना। अभी एक सरल वैष्णव वो चिंता किया जो है अभी धाम के वर्ण चलते पायल इतना बड़ा होता है, यहाँ से अच्छे चल दिया पायल लगा दिया तो सब कला भी ठीक नहीं है। धाम से भगवान चलेगा तो क्या करें, प्रैक्टिकल का भी मुश्किल है तो कैसे पैसा बंद करके जहाँ खराब हो गया यहाँ पर जी से बात सुना गड्ढा हो गया। सबसे भगवान यहाँ पर पति नहीं दे सकता सुझाव नहीं दे सकता तो आगे उनको वसुम को समझाया देखो भगवान के लिए जो सत्ता है उनका जीवन धार जो है जीवन जो करने के लिए सबसे प्रसाद जो करे उसमें अपराध नहीं होगा भगवान नहीं देते शरणागत जो ठीक ही है और शरणागत भी यही बात है तुम गति पैसा करो तुम्हारा क्षण खराब हो जाए भगवान माफ कर देगा। हम लोग बच्चा का मफी है बच्चे को गोद पर ट्रस्टी करता है तो माँ को जोर देता है तुम यहाँ पर भगवान का बच्चा हो करने से दोष नहीं देखेगा है। यहाँ पर पिछली पहाड़ दिखा रही है पिछली शिला चंद्र शुल पर बहुत भगवान की लीला स्थली है, सगाओं के साथ यहाँ पर लीला किया पिछली भी पहाड़ है पिछल जाते और एक सका ग्रह से नीचे गिर जाते सो भी जाते उनसे गिर जाते खंडे का हम लोग कैसे नहीं करेंगे। यहाँ का पंडल कर सकता है ब्रजवासी से हम लोग तो बाहर का आदमी है यहाँ से आज करने के लिए जो ऐसे करने में जाएंगे हम लोग का जो भूमिका है उसमें अधिकार नहीं है। हम प्रणाम करते उसमें तो सखा करते अरे हम देखा मेरा प्रणाम सही देखा ब्रजवासी तुम कर सकते हो हम नहीं कर सकते हम तो बाहर से आए हैं विचार लेने से हर वक्त सब विचार नहीं लेने से उन लोगों को भक्ति में गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ दर्शन का स्थिति में जाके करना तो भगवती करने को जाएंगे मुश्किल हो जाएगी तो विश्व हर पर भगवत उभरे पिछले नवे से पूरा पूरा कर चंद्रसेन Rama Rama
साथ भौमासुर के साथ कृष्ण भगवान का लड़ाई हुआ 27 दिन, तो उसमें ये पृथ्वी हिलने लगी, तो दाऊ जी शेषाचार थे, उन्होंने सोचा सृष्टि कहीं बदल नहीं जाए, लौटपोट समाप्त नहीं हो जाए, तो एक चरण से पृथ्वी को दाब के खड़े हो गए। तो उस समय का ये चरण चिन्ह है, इसको छोटा चरण पहाड़ी भी बोलते हैं। ये दाऊ जी का चरण चिन्ह है, ये देखिए, ये अंगूठा का निशान है, दाऊ जी के चरण चिन्ह। ये व्योमासुर की गुफा है, यहाँ पर भगवान का चरण चिन्ह भी है। सकाले खड़ा कर देख भी आ जाना ठीक है नी সকাল পর্যন্ত থাকলো আর সকাল দেখা যাচ্ছে না, কৃষ্ণ পরে বুঝতে পারলেন এটা এই উপর কাজ ভোমাসুরের, তখন তাকে তিনি যুদ্ধ করে হত্যা করলেন, করে ওদের উদ্ধার করে দিলেন সকাগুলিকে। ইহা পর যে হয় যে শাস্ত্র মায়া জানতে শিল্পী হয় দেবতানন্দ বিশ্বকর্মা হয় ঈশ্বরকার অসুর কান্দর মায়াদারাম হয় মায়দার লড়কা ভি মায়া ভি হয় উনকো কংস ভেজা यहाँ पर ब्रजवासी को उनको तंग करने के लिए, मारने के लिए, खत्म करने के लिए, इसलिए भौमासुर यहाँ पर आके कृष्ण सखाओं के साथ खेल करते थे। खेलने में कोई चोर हुआ, कोई भेड़ हुआ, पेड़ कहते हैं ना क्या सीप को भेड़ है, कोई भेड़ हुआ और कोई भेड़ का रक्षक हुआ, वो जो भेड़ का पालन करते हैं उनको क्या कहते हैं, गडरिया, गडरिया नहीं पाले वाले, पाले पाले गडरिया, कोई गडरिया हुआ, कोई भेड़ हुआ, कोई चोर हुआ, आदि कोई चोरी करके ले जाते हैं, कोई रक्षा करने को ऐसे खेल आटक, उसका अंदर में शाखा के घुस गया माया गर्व, माया जानते हैं ना शाखा में वो चोर होके चूरी करके एक एक सका को लेके गुफा के अंदर घुसे बनाए, ऐसा करते करते देखा सका तो कहाँ चला गया, चार पांच रह गया, कोई दिखता नहीं, कृष्ण तो समझ लिया ये दुष्ट का काम है, उनका सब लड़ाई करके उनको निदान करके पत्थर उठा दिया, सकाओं को बचाया, तो कहते निदान निदान खेला भगवान सकाओं के साथ खिला, वहाँ पर पिछल पहाड़ी है, वहाँ पर देश है, दुआ सुन आ गया, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊपर क्यों जाबे ना मोहरे माना करछे, हमरा हम कीर्तन करते मोहरे पिछले पीछे जाबो, ये भोजन थाली की मंदिर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भगवान ने सखाओं के साथ बैठकर वन भोजन किया था। ये बलराम जी की थाली, इसे पानी नहीं, ये आप गलत काम करते हो, पानी नहीं चढ़ता यहाँ पर, पीछे ये दोनों किसका है, ऐसा है देखो आप लोग दान ऐसा करो, नहीं है तो हाथ जोड़ दो, ये दान यहाँ चलता नहीं, अच्छा ठीक है हम देगा, आप पूजा कर दो, हम तो एक मिनट प्रभु जी, प्रभु जी एक मिनट, प्रभु जी फोटो खींचने लग रही है, प्रभु जी एक मिनट, किसका थाली है ये वाला, ये बलराम जी का थाली है, ये किसी का थाली है, इस कन्या का भगवान ने उद्धार किया है, अपने सकन के समय भोजन किया है, और ऊपर रात्रि को भाई 20 पैसे का सिक्का कोई ले जाने क्या हो रहा है, बढ़िया जी को नहीं है हाथ जोड़ लो,
वो भोग लगा लो कन्हैया जी के भोग लगे जागर करा भैया कन्हैया जी के चरणों में भोजन बिहारी भोजन स्वर्गवासी ने की मारा जाए जानते बोलें जो भोजना यही था अब वो भोमासुर के बारे में सुना है ना जी पूरी कब जाएगा पत्र दे दीजिए भोग लगाओ ना अभी जो लोग सुना रहे उनके लिए कहते गुफा देखा वो बवासुर है मैदान का लड़का जैसे देवता का विश्वकर्म होता है इस प्रकार उस उनका मायदान बहुत बड़ा शिल्पी कम नहीं है तो मायदान का लड़का भोमासुर बहुत ही माया भी तो भोमासुर जब कृष्ण वहां पर ग्वाल वाले से खेल करते थे उनके साथ मिली तो ढेर हो गया क्योंकि बच्चों को सखाओं को ढेर कर दिया कोई चोर बन गया कोई भेड़ को रक्षा करने वाला गदेरिया हो गया आपस में खेलते चोर किस कुछ चोरी करके ले जा सकते ऐसे आपस में बच्चों का अगर खेल होता है ना इसको नीलायन संस्कृत नीलायन किस्म का खेल है तो चोर चोरी करके ले जाते हैं भेड़ को भेड़ का मतलब कोई सफाई भेड़ हुआ और कोई भेड़ को रक्षा करने वाला हुआ चोर सिपाही खेल है चोर सिपाही खेल है लेकिन सचमुच का चोर आ गया बीच में आगे उसका अंदर में माया भी जो है भोमासुर वो सखा होकर घुस गया बहुत माया जानकर तो कोई सखा लोग नहीं समझा वो समझा हमारा ही अभी वो चोर हो गए कोई सखा को लेकर भाग जा वो समझा चोरी करके ले गया ठीक है एक गया दो गया तीन गया चार गया तो बहुत ले गया चार पांच बाकी रह क्या हो गया बाकी सौ कहाँ गया तो कृष्ण देखा कृष्ण ये दुष्ट इसका ही काम है तो सोफा में रख के बंद कर दिया वहां बंद करके सांस बंद हो तो मर जाएगा कृष्ण के साथ लड़ाई था वो वहां उसने जो लड़ाई करके निधन किया निधन करने के बाद वो पत्थर को उठा दिया जाने से तो बच्चे लोग सखाओं को बता दिया रक्षा किया उससे रक्षक पालक है और वो जो भोमासुर है जो कपट है उसको धोखा देने वाला है जो एक विचार हम लोग के अंदर में रहे तो विश्व को मिलेगा नहीं इसलिए कृष्ण कृपा होने से भोमासुर हमारा भीतर में है तो उसको खत्म कर देगा समझा नहीं तो खत्म कर देगा तब कृष्ण को बचा सके कपट है दुष्ट अभी यहाँ पर भोजन थाली है यहाँ पर आप लोग बहुत अभी सुना ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बच्चों को हरण करके ले गया यहाँ से कृष्ण को परीक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान है कि नहीं जो कृष्ण आएगी बच्चा ग्वाल बाल हो गया और मोहित हो गया बाद में उनका बाल हुआ कृष्ण स्वयं भगवान है हमने पाठ यहाँ पर जब शाम का वक्त अगस्त का निकल के बाद सब बैठ के भोजन करने के लिए सब सखा लोग अपना अपना खाना ले आया स्वयं खाने के लिए नहीं हर चीज जिसको कृष्ण को खिलाएगा स्वयं खा के देखते लिए अच्छा है खाना या खा तो यहाँ पर खिलाया तो इसलिए आप लोग यहाँ पर भोग लगा के प्रसाद का तो उसको याद करने यही बात गौर ब्रह्मानंद ছিল না তো কে গেলে
ना ना हम दूध मारे की बात कर रहे हैं, दे दिए हमारे आप भोजन यही तो उठाने वाला तो भोजन करने के खाली दिया, थाली में नहीं खाए, भोजन नहीं दिया क्या बात? भोजन करने के खाली दिया ना, भोजन करने के खाली दिया ना, बढ़ाओ के लिए दिया नहीं समझे केले जल्दी होता बता ए प्राणा से केले छिल दो ना जल्दी जल्दी मैं दे रहा हूँ उनको दे रहा हूँ हाँ कब नाम जेरे को दे रहा हूँ हाँ उनको ही देने जाऊंगा जी और भी बड़े बड़े हैं सर जाना प्रभु मदन प्रभु है ठीक है जी वो शेप खाता है ये वो शेप खाता है Bye.
गजाधर कुंड बोलो गजाधर भगवान की। कुंड है इस स्थान का नाम बोलते हैं गया कुंड, और गजाधर भगवान का आपने दर्शन किया। ये भगवान कृष्ण के अवतार के समय से यहाँ विराजमान है। नंद बाबा और यशोदा मैया को तीर्थ यात्रा करने का इच्छा हुआ, उन्होंने कृष्ण बलराम से कहा, कृष्ण अब तुम सियाने हो गए हो, अपने गाय बछड़ा को चला लाया करो ग्वालों के साथ, हम तीर्थ यात्रा कराने। तो भगवान ने कहा, बाबा आप वृद्ध हो, तीर्थों में बड़ी परेशानी पड़ती है, कहीं पहाड़ में चलना पड़ता है, कहीं कांटे में चलना पड़ता है, मैं सब तीर्थों को यही बुलाता हूँ, आप यही तीर्थ यात्रा कर लीजिए। तो भगवान ने सभी तीर्थों का आह्वान किया, उस समय यहाँ गया जी भी पधारे, और उसी समय से यहाँ गया जी विराजमान है। ये जो इधर में दक्षिण साइड में कच्ची बाउंड्री दिख रही है गया कुंड के, इस बाउंड्री के इस कॉर्नर में पुष्कर कुंड है, पुष्कर जी पधारे थे। इस दिशा में सामने प्रयाग कुंड है, और प्रयाग कुंड से थोड़ा सा आगे चल के योग कुंड, तप कुंड, ध्यान कुंड, उससे आगे लुकलुक कुंड, वो वहाँ पानी भरा हुआ है इसलिए नहीं जा सकेंगे। यहाँ महाराज जी अभी महात्म सुना रहे हैं, इसके बाद यहाँ से मनसा देवी का दर्शन करेंगे, जो राधा रानी ने अपनी मनो इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मनसा देवी का पूजन किया था। फिर वहाँ से आगे चरण पहाड़ी चलेंगे, और चरण पहाड़ी पर दर्शन करेंगे। उपादेशी सब कृपा भगवान भगवान, तुम्हारा नाम ही केवल तमाम मंगल विधान का हो गया। कृष्ण गोविंद गोपीनाथ अभी
वही नाम से प्रकट होके वही नाम होगा। इस विष्णु चैतन्य महापुरुष को देख फिर जाने सागा कृष्णा सम्मान सब आदर सर्वदा कुंड कामना कुंड सत्यासन के शुभरी सुरभि कुंड वो ग्रह प्रसाद कृष्ण का जो विलास सुरभि कुंड वो हम लोग सरस्वती का पास मापन दया बहुत कुंड कुंड का नाम खल पालन बहुत पानी का दर्द प्रतिबंध देश तमाम तीर्थ के स्वरूप में है। इसलिए मेरे बात थोड़ा चिंता करने की बात बाहर से कोई चीज का फर्ज भी नहीं है। ब्रजमंडल किसका धाम? स्वयं भगवान कृष्ण का धाम। स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार उनका अंदर में तमाम अवतार है। चैतन्य महाप्रभु कितना भक्त फिर जब श्री विष्णु श्री विष्णु राम से उपासना किया अवतार भी तमाम अवतार सब कुछ यही है। राजा ने तमाम शक्ति का मूल है। उमा रमा शक्कर यदि संदर राधा अवतर आमनाय राधा के अवतार है। इसलिए कया वहां से यहां आ गया यहां से वहां जाता है। क्या समझा? स्वरूप में तमाम तीर्थ यहाँ ही विराजमान हमारा गुरु वर्ग का यही दर्शन नवद्वीप धाम में जैसे विराजमान है ब्रजमंडल में तमाम धाम स्वरूप में विराजमान है यहाँ से दर्शन था। लेकिन मानसी गंगा का बारे में जब हम लोग आलोचना किया कृष्ण कहते सारा ब्रजवासिया कृष्ण भगवान नहीं देखते इसलिए गंगा दर्शन करने के लिए बाहर जा रहे हैं। गंगा तो यहाँ ही है यहाँ से वहां जाता है। तो चिंता किया मानुषी गंगा प्रकट हो गंगा अगर भाई ने ऊपर आ गया मानुषी गंगा दर्शन इसलिए कि तमाम तीर्थ यहाँ पे स्वरूप भी विराजमान तो राधा कुंड में गाया घाट बोलते हैं वहां पर भी हो सकते घाट बहुत है राधा कुंड वहां पर भी गाय घाट बंदर लोग कहते हैं यहाँ पर भी आने से गाय समझाने का फल यहाँ पर भी आए कर्मवन में गया कुंड शक्कर गया तीर्थ है। शहर में हम लोग जाते हैं तो गाय जाने की आप जरूरत नहीं है स्वरूप भी आया है लेकिन तब भी हम लोग गाय जा सकती हो इसका बात सुनने के बाद भी गाय जाएंगे गया में पिंड होता है यहाँ पिंड मिल सकता है किसी लोगों को यहाँ क्या है यहाँ नास्तिक को कौन सा पिंड होगा कृष्ण का सेवा करने से साफ होगा यहाँ पिंड क्या देगा कृष्ण की सेवा से जो लोग पिंड देते ना आखिरी में कृष्ण का नाम करने पड़ेगा यदान पुंडली का सर्व जो विश्व जगत जगत कृष्ण को लिखे पिंड कोई स्थान पर आ गया आराध करके ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं जो करने को जाते कर सकते इसका जो अधिकार करते भक्ति रत्ना का ग्रंथ में कहते मणिकर्णिका गया कुंड का तथा मणिकर्णिका घाट
तुझे पंडा निर्देश कर जो है मणिकर्णिका गया गंध का चक्रवर्ती है वो वहां पर हम लोग देखा कि घाट दर्शन किया ना वहां पर भी मणिकर्णिका घाट मथुरा तो घाट गया कुंड चक्रवर्ती मणिकर्णिका घाट बोले पंडा ने निर्देश कर ले यहाँ पर भी निर्देश किया एक पंडा ने कौन पंडा के मालूम नहीं यहाँ पर भी मणिकर्णिका घाट है पार्श्वती मंदिर दर्शन विश्वनाथ जी गया जी गदावर और लक्ष्मी देवी ग्वादर नाम की कैसे हुआ तत्संबंध में ऐसा बात है शांगु मन्वंतर ने हेती रख ब्रह्मा उपासना कहते हैं वसु उसका नाम हेती रख ब्रह्मा जी की उपासना इसलिए क्या तीनों को अजय होने के लिए इस प्रकार द्वार उल्लास किया ब्रह्मा जी तिलक में उनको कोई जाय नहीं कर सकते ब्रह्मा फल पाकर वो शब्द को दखल कर दिया अगर बाइए खेती अत्याचार सहन नहीं हुआ देवता देवता से विष्णु का आचरण सवाल बन तो विष्णु कहते जो महाअस्त्रांत मेरे को मिलेगा तब इसको बात कर लेंगे तब महाअस्त्र कैसे बनेगा क्रोध नामक एक पशु है पशु का हड्डी से एक वज्र निर्माण किया उसे शक्तिशाली गदा हुआ वही गदा विष्णु ने अर्पित विष्णु और गदा द्वारा हेती रखो को विनाश किया विष्णु का नाम हुआ गदाधर साधारण गदा नहीं पशु लोग भी साधारण नहीं है नाम वसु है बहुत तपस्या है विष्णु उक्त गदा भी धारण कर ले इन्हें गदाधर हो गए हुआ और एक बात है गाय नाम एक दानव है जिसको पार्वती विनाश ये कहते एक गया कुंड गया नामक एक दानव उनका पार्वती बिना पदर पंडित भ्रमण काले हम लोग काफी कुंड पवित्र स्थान दर्शन कर आज वो दर्शन करने के लिए हम लोग को मौका दिए राघव पंडित श्रीनिवास प्रतिकार कोई एक काफी ग्राम नाम जैसे है यथा होली खेले तो है वैश्य सिंहासन है शकी दू वस्त्र गाठी दिला संगत सिंहासन वही तो है उठिला जपान जाते वस्त्र गाठी हाथी सकती है सही लोग तो होती जो है बच्चा पहला फागुआ लोहिया के गाठी खुली दिया यही तो गाठू लिए गुलाल कुंड जले एक दिखाया अभी हम लोग का टिकने का मौका नहीं है फिर मन मन में सोचेंगे काठुली ग्राम स्त्री हुआ वहां पर कृष्ण और आदरणी जो है होली खेलते यहाँ काठुली में होली खेला एक साथ ने भोज किया छोटी लोग छिपा के भगवान को संभव किया छिपा के कैसे कर सकते हैं जो हमारे से भगवान जी संभव को नहीं रहे राधा कृष्ण का अंदर में तो काठी बंद छिपा जो उठने को गया तब काठी आए उठ नहीं सकते दोनों तब सभी लोग हंसने लगा प्रकार कौतुक हुआ वहां फगुआ खेलने का स्थान है तो हम लोग जो पैदल में जाते थे वही गुलाल कुंड वो हम लोग दर्शन किया और जो लुकलुकी कुंड के बारे में कहा तो लुकलुकी कुंड वहां पर सिर्फ पानीफल के लिए महात्म नहीं पानीफल के लिए महात्म वो बात नहीं पानीफल वहां पर मिलता है खाता है और लोग सब भूख भूख हो जाते हैं घूमते घूमते इसलिए बोलते पानीफल का स्थान अगर ये लुक लुकाना निचली स्थान और इधर राधा कृष्ण विलास होती स्थान निचली अर्थ नेत्र मुद्र के खाने लुकनाई तो शुद्ध सारे लुक्का लुक लुकानी निचली कुंड सुशोभा यह होती निवीर भवा अंत कार स्थान क्या करते हैं राधा कृष्ण चक्षु मुद्रित करते और आग बंद करते राधा कृष्ण का आग
बंद करके चौकी का लुकुचोरी खेलते हैं। लुकाचोरी का मतलब छिप जाते थोड़ा सा नीचे टेप क्या बोलते हैं अंधकार बंद कर देते हैं चुकचोरी करता दौड़ भी लिया बिजली का मतलब आग तो आप लोगों ने लुटलू का नहीं स्थान दर्शन किया और पानी पर दिखा इस बार जो आया उनका वर्षा में डुबा दिया यहाँ से मन से सोचने पर मानसी मानसी करें मानसी करें मानसी विवाह मानसी भी खाना मानसी भी खाना हरे कृष्ण सामने चरण पहाड़ी हम लोग देख रहे हैं। अभी श्री गुरु महाराज जी सबको लेके इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर भगवान का श्री चरण चिन्ह है। हाँ पकड़ लिया हमने तो।